ना कोई खर्चा और ना ही मेहनत, खुद ही अपने आप हजारों के पौधे बन जाते हैं। तो आज आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो अपने आप एक से हजारों बन जाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये स्नेक प्लांट। इस प्लांट पे आपको ना तो कोई खर्चा करना है ना ही कोई मेहनत करनी है। देखिए, ये जो प्लांट है, अगर आपने नर्सरी से छोटा सा एक प्लांट ले लिया है तो ये अपने आप रूट से प्लांट बनाता रहता है और उनको आप डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। देखिए, ये जो प्लांट है अपने आप ही बनते रहते हैं, इनको लगा दो गमले में और गमले में एक से हजारों बन जाते हैं। ये जो प्लांट है महंगे तो मिलते ही हैं, लेकिन ये कोई मेहनत का यानी मेहनत की डिमांड नहीं करते हैं। इंडोर में रखो, कम पानी देना होता है, बस किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते। खाद भी आप इसमें महीने में दो महीने में दे देंगे तो आराम से ये चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट हैं ये कम देखभाल में चलते हैं और गार्डन के लिए बेस्ट हैं, घर के लिए बेस्ट हैं। ऑक्सीजन से भरपूर होता है, अलग अलग वैरायटी में आता है। अब नेक्स्ट प्लांट जो है ये है विक्टोरिया प्लांट, कॉर्न प्लांट भी बोलते हैं इसको, ड्रेसिना भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये नर्सरी से महंगा मिलता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि अगर आपने एक ले लिया इसका तो ये कटिंग से इजीली लग जाता है और एक प्लांट से आप 3-4-5 यानी 4-4 इंच की कटिंग लेकर भी आप इसको उगा सकते हैं। तो मैं, ये मेरे दो प्लांट हैं, एक मैंने लिया था और एक से मैंने फिर एक बनाया। अभी मैं इन दोनों में से कट करके दो प्लांट और बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये खूबसूरत प्लांट है, महंगा मिलता है लेकिन आपसे कोई मेहनत नहीं मांगता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही ऐसा प्लांट है, बिल्कुल कम देखभाल वाला प्लांट है। इसकी कटिंग आप लगाएं। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट प्लांट है ये भी बिल्कुल ही मेहनत नहीं मांगता है, बिल्कुल ही सीधा साधा, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता है। ये युक्का प्लांट है, ये भी रूट से यानी जड़ों से बहुत सारे बन जाते हैं, अपने आप ही बनते रहते हैं। तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। छोटा सा कहीं से आपको बेबी प्लांट मिल जाए या फिर नर्सरी से आप छोटा सा ले आए 20-30 रुपए का, बिल्कुल छोटा सा करके अलग पोट में लगाना, तो वो काम तो हम इजीली कर ही लेते हैं। बाकी इसको ज़्यादा खाद की, किसी चीज़ की केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जड़ों में से छोटे छोटे ऐसे बेबी प्लांट बनते हैं और हजारों के पौधे आप बना सकते हैं। तो ये ऐसे प्लांट है जो बिना खर्चे के यानी ना तो खाद मांगते हैं, ना ही ज़्यादा पानी मांगते हैं, ना ही कोई देखभाल मांगते हैं और बिना ही मेहनत के अपने आप ढेरों पौधे बन जाते हैं। देखिए, ये प्लांट भी मेरा उसी से बना है, बेबी प्लांट, मदर प्लांट आपके साथ मैंने शेयर किया। और ये जो प्लांट है ये भी मेरा बेबी प्लांट था। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ये जो पोट है इसका टूट गया क्योंकि मैं साफ़ सफाई कर रही थी और इसकी जड़ें देखो आप कितनी सारी फैल गई हैं और इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं, लेकिन उनको मैं अभी नहीं निकालने वाली। फ्रेंड्स, देखिए इसमें बने हुए हैं छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, थोड़ी सी और ग्रोथ हो जाएगी तो उनको मैं डिवाइड कर लूँगी। अभी इसको मैंने दोबारा से रिपोर्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा प्लांट है तो 2 साल में इसको रिपोर्ट करते रहें तो ये गमलों में आराम से चलता रहेगा, बाकी कोई मेहनत की डिमांड नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये तो मेरा टूट गया वरना छोटे से गमले में भी आराम से चलता रहता, ना तो ये कभी ख़राब होता है और ना ही कभी धूप से या फिर ऐसे छाया में ख़राब होता है। कहीं पर भी इसको लगा के रख दो, बिना देखभाल के आराम से चलता रहता है। तो इसको मैंने बड़े गमले में रिपोर्ट कर दिया क्योंकि ये गमला मेरा खाली था। अभी अच्छे से ग्रोथ करेगा और ये काम मैंने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है एलोवेरा, एलोवेरा अगर आपने लगा रखा है तो ये भी बिना देखभाल के, बिना मेहनत के हजारों के पौधे बना देता है। ये भी जड़ों से ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता है, वो भी अपने आप ही बनाता है, हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें बनते रहते हैं। तो ये भी वैसे अलग अलग वैरायटी में आते हैं, कुछ महंगे भी आते हैं, कुछ सस्ते भी आते हैं, मेडिसिन वाला प्लांट है। ये जो प्लांट है ये सिंगोनियम, देखिए सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास वो रेड पत्तियों वाला भी है, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसे ही रूट से डिवाइड होते रहते हैं, अपने आप ही बनते रहते हैं, हजारों के पौधे ये बन जाते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ हैं बेहद ही खूबसूरत होती हैं, इनको आप कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जड़ों से इनको निकाल के आप अलग पोट में लगाएंगे तो आपको बहुत सारे पौधे लेने की आवश्यकता ही नहीं, इन्हीं से ही बन जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है एरिका पाम, एरिका पाम भी ऐसा प्लांट है जो ऐसे रूट से अपने आप ही पौधे बनाता रहता है।
कुछ नहीं मांगता इसमें, ना तो पैसे खर्च होते हैं ना ही मेहनत लगती है आपकी। बस एक बार एक पौधा ले लिया 80 या 100 रुपये का, फिर आप उससे 400, 500, 600 के हज़ारों के पौधे आप इनसे बना सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होते रहते हैं। इनके जो पत्तियां हैं वो तो खूबसूरत होती ही रहती है, हरियाली भी लाते हैं, लेकिन ये रूट से डिवाइड होके आप इनको अलग अलग करके बना सकते हैं। बाकी ये अपने आप ही रूट से डिवाइड होते रहते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लगा लें और फ्री के पौधे भी बन जाते हैं, बना भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पौधे बिना ही खर्चे के, बिना ही मेहनत के आराम से आपके गार्डन में बने रहते हैं, चलते रहते हैं और अपने आप हजारों के पौधे बना देते हैं। तो इसको ज़रूर लगाया होगा आपने। अब नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ड्रेसिना। देखिए एक तो मैंने वो ड्रेसिना दिखाया था जो विक्टोरिया प्लांट है, वो भी उसको भी ड्रेसिना बोलते हैं, और ये भी ड्रेसिना है। ये मेरे पास छोटा सा पौधा है और ये भी जड़ों से बन जाता है फ्रेंड्स। ये मैं कहीं से लेके आई थी और ये जो प्लांट है ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लगा सकते हैं बिना मेहनत के। और ये वाला पौधा देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम झनाडू है। ये इधर वाला तो सफलेरा है, ये झनाडू है। तो ये मैंने कुछ ही दिनों पहले लिया है, रिपोर्ट करके आपके साथ वीडियो शेयर की थी। इसको भी आप रूट से डिवाइड करके हजारों के पौधे बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की एक कटिंग आप लगा लो, छोटी सी कटिंग, और 10-15 दिन या महीनों में ये जो प्लांट है डिवाइड होकर ढेरों पौधे बना लेता है। यानी ये ऐसा पौधा है जो बिना पैसे के, यानी कहीं से आपने कटिंग ले ली तो बिना पैसे के हो गया और अपने आप बिना मेहनत के, बिना खर्चे के ये डिवाइड होते रहते हैं। तो ये जो प्लांट है आपके पास नहीं है तो इसको ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। फ्रेंड्स कुछ ही पौधे मैंने आपके साथ शेयर किए, छोटा सा वीडियो है। ये प्लांट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।